हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एमपी फूड फैक्ट्री में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेजवान चटनी की रेसिपी। तो दोस्तों, इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, इससे बहुत ही शानदार और लाजवाब चटनी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं, आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, इस रेसिपी के लिए ये हमने लिया लहसुन, ये हमने लिया हल्का सा नमक, ये है हमारी लाल मिर्ची, ये है हमारा सोया सॉस, ये है हमारी सेंगी खड़ी लाल मिर्च, ये हमने हाफ के जी टमाटर ले रखे हैं, ये एक कटोरी भर के हमने अदरक ले रखा है, और ये हमारा ऑयल है। इसके बाद दोस्तों, हम एक बर्तन को गैस पर चढ़ा लेंगे और उसमें हम कम से कम 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। जो हमने टमाटर लिए थे उनको हम बॉईल करेंगे। हमने पानी ऐड कर लिया है, इसमें अब हम टमाटर को काट कर 20 से 2 पीसेस करेंगे इस टाइप से, और इसे हम पानी में ऐड करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं, एक मिनट हमारे टमाटर पकने के बाद उसमें हम लाल मिर्च खड़ी वाली ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, जिससे टमाटर और लाल मिर्च हमारी अच्छी तरीके से गल जाएं। दोस्तों आप देख सकते हैं, 4 से 5 मिनट में दोस्तों हमारे टमाटर पक चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर और मिर्च अच्छे से गल चुकी है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। दोस्तों टमाटर के पकने के बाद इसके हम छिलके को एक गंजी में निकाल कर रख लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें इसका छिलका निकाल लेना है और टमाटर को हम गंजी में रख देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने टमाटर और मिर्च दोनों को एक बर्तन में निकाल लिया है और टमाटर हमारे अच्छे से साफ हो चुके हैं और सारे छिलके हमने एक अलग बर्तन में कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों, हम टमाटर को मिक्सर के जार में डाल देंगे। टमाटर और मिर्च को हमें मिक्सर के जार में डाल देना है और इसे हमें चटनी बनानी है। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे टमाटर और मिर्ची मिक्सर के जार में डाल दिए हैं। इसके बाद दोस्तों, इसमें हम हल्का सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, यह इसे तीखा करने के लिए है। ऑलरेडी हमने मिर्ची डाली हुई है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसे तीखा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसमें 2 चम्मच नमक ऐड किया है। आप जिस टाइप से नमक खाते हैं उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे मिक्सर पर रखेंगे और अच्छे से ग्राइंड करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने मिक्सर बंद कर दिया। हमारे टमाटर अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार कलर आ रहा है इसका। फाइनल प्रोसेस में हम कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा लेंगे और इसमें तेल को गर्म कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, इसमें हम 2 चम्मच लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने लहसुन को ऐड कर दिया है। इसके बाद हम 2 चम्मच अदरक ऐड करेंगे। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से 1-2 मिनट तक मिक्स करेंगे। दोस्तों इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे हल्का कच्चा रखना है, जिससे कि इसका स्वाद अच्छा आ सके। फाइनली हमारे अदरक लहसुन पक चुके हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, अब इसमें हम हल्का सा सोया सॉस को ऐड करेंगे। 1 से 2 चम्मच इसमें आप सोया सॉस ऐड कर सकते हैं, जिससे कि चटनी का कलर बहुत ही शानदार आता है। दोस्तों तो इसे आप जरूर ऐड करें। सोया सॉस ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने सभी को अच्छे से मिक्स
कर लिया है। इसके बाद जो हमने टमाटर ग्राइंड करके रखे थे उसे हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने टमाटर को कढ़ाई में डाल दिया है और इसे अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि चटनी हमारी बहुत ही शानदार लुक दे रही है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें इंस्टा पर फॉलो जरूर करें दोस्तों।